राधे, राधे क्या हुआ है? ये चोट कैसे लग गई इतनी? अरे हमें बताओ, पार पोस के इतना बड़ा किए हम तुमको है कि खून खच। अरे नहीं, जब भी तुम मलियाबाद जाते हो ना, ऐसे लुट पिट के आते हो, क्या हुआ हमें बताओ। कहां से ठोक ठुका के आ रहे हो? इकट्ठा करिए, शाबाश। अरे भाई, औलाद किसकी? बड़े सो बटो बाबू, पहली बार राधेलाल पैसा कमाने निकले और हाथ कितने पे मारे? सीधे तसला। कितने पे बे? अरे कितने पे? 10 लाख पे। हेलो, सीखो हैं? पहुंचने से पहले ही 10 लाख की जमानत किसी और ने करा दी। दिमाग में बात तो कौन रही होगी कि कौन है वो महापुरुष? अरे शुक्लाई, आज के जमाने में 10 रुपया तो नहीं देता है और वो महापुरुष 10 लाख की जमानत करवा दी। कौन लगते हैं वो दुबे जी की या तुम्हार मेहरारू की? कब हो रानी, बता रही इनको है कि कौन लगते हैं तुम्हारे? बताओ बे राधे, अम्मा तो पूछ रही है ना। कौन तो रहा है? ठीक है, हम बता देते हैं। कृष्णा के बॉयफ्रेंड है पापा जी। सही जवाब। अभी पापा जी को, मतलब दुबे जी को, मतलब मेरे पापा को बचाने के लिए राधे ने बहुत मार खाई एक्चुअली तो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे घर वालों ने इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया और प्रशांत को सब बहुत ज़्यादा वाहवाही दे रहे थे। बट यहाँ पे शुक्ला जी को मौका मिल गया और शुक्ला जी राधे के सामने, ताकि मेरे और राधे के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो राधे के सामने बोल देता है कि तुम्हारे पैसे तो नहीं लिया, जिसने पैसे दिया है वो इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। तो राधे को तो बहुत ठेस पहुंचता ही है इस बात पे। लेकिन जो अच्छी बात है कि राधे ने देखा कि कृष्णा जी की बहुत बुराई हो रही है, सबके सामने इंसल्ट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत प्यार से हैंडल करने की कोशिश करता है और करता भी है, ये बोल के कि उसे सब कुछ पता था पहले से और कृष्णा जी ने कभी झूठ नहीं बोला है। कृष्णा जी ने सब कुछ सच सच बता दिया है उसे, क्या पास्ट है, क्या है, क्या नहीं है। सो ये बोल के वो सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से मुझे बचा लेता।